नमस्कार और आपने लॉग इन किया है रेसलिंग न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल। तो गाइज इस एपिसोड में बात करेंगे कुछ शानदार खबरों की जो निकल कर आ रही हैं आज की मंडे नाइट रो से। जी हाँ, आज की मंडे नाइट रो से काफ़ी सारी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, जिनमें शामिल है अगले हफ्ते की रो में शॉन माइकल की वापसी, बेला ट्विंस का मैच और साथ ही पूर्व WWE यूनिवर्सल चैंपियन ने कहा WWE को अलविदा। तो वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो गाइज शुरुआत करते हैं बेला ट्विंस से। WWE में बेला ट्विंस को कौन नहीं जानता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही WWE में खूब धमाल मचाया। बेला ट्विंस यानी निक्की बेला और ब्री बेला दोनों ही विमेंस रोस्टर की टॉप सुपरस्टार है और बेला ट्विंस पिछले काफ़ी समय से WWE में ऑन स्क्रीन नज़र नहीं आई थी, जिसके बाद उन्होंने फर्स्ट विमेंस रॉयल रंबल में हिस्सा लिया था, जहां पर निक्की बेला ने अपनी ही बहन ब्री बेला को रिंग से बाहर कर दिया था। लेकिन उसके बाद दोनों बहनें WWE में नज़र नहीं आई, लेकिन इस हफ्ते दोनों को रो के बैकस्टेज में देखा गया और यहीं पर इन दोनों ने ऐलान किया कि अगले हफ्ते मंडे नाइट रो में यह दोनों लड़ने वाली है। जी हाँ, नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रो में निक्की बेला और ब्री बेला का मुकाबला होने वाला है रॉयट स्कॉट से। अब देखने वाली बात यह होगी क्या इन दोनों को WWE एवोल्यूशन PPV के लिए ही बुला रही है या फिर फुल टाइम रेसलिंग करने के लिए। और गाइस साथ ही आपको बता दूं कि WWE ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया कि अगले हफ्ते मंडे नाइट रो के एपिसोड में फॉर्मर WWE चैंपियन शॉन माइकल्स आने वाले हैं। तो जैसे कि शॉन माइकल ट्रिपल एच के टैग टीम पार्टनर रह चुके और साथ ही जब आखिरी बार रेसलमेनिया में ट्रिपल एच और अंडरटेकर का मुकाबला हुआ था तो उस वक्त स्पेशल गेस्ट रेफरी भी थे। तो ऐसे में अगले हफ्ते शॉन माइकल सुपर शोडाउन में होने वाले ट्रिपल एच और अंडरटेकर के आखिरी मैच को लेकर कुछ बिल्डअप करते हुए नजर आ सकते हैं। तो गाइस अब चलते हैं हमारे इस एपिसोड के मेन इवेंट के पास। तो अब हमारी फाइनल अपडेट है फॉर्मर WWE यूनिवर्सल चैंपियन केविन ओवेंस को लेकर। तो शायद ये वीडियो केविन ओवेंस के ऊपर आखिरी वीडियो हो सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आज मंडे नाइट रॉ में सेथ रॉलिंस से हारने के बाद केविन ओवेंस ने आई क्विट कह दिया, जिसका साधारण सा मतलब है मैं छोड़ रहा हूँ। और साथ ही WWE ने भी ऑफिशियल इस बात की घोषणा कर दी कि केविन ओवेंस ने WWE छोड़ दी। तो गाइज अचानक इस बात को समझ पाना काफ़ी मुश्किल है कि आखिर क्या हुआ है WWE और केविन ओवेंस के बीच, और अचानक WWE और केविन ओवेंस ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि अगर इसके बारे में पहले से ही कोई प्लान्स होते तो हमारे पास कोई ना कोई न्यूज़ और र्यूमर्स पहले ही आ जाते। तो इस पर अंदाजा लगाना काफ़ी मुश्किल है कि क्या यह स्टोरी लाइन का हिस्सा है या फिर सच में केविन ओवेंस ने WWE को अलविदा कह दिया। तो इस पर आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।